الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون काबिल अहतराम हाज़री जुमाज़स ख़वातिन मत तमाम तारीफ़ें हर क़स्म की बड़ाई किबरियाई उसी अकेले अल्लाह के लिए लायक वैबा है जिसने हम तमाम पर अपनी नमतें मकमल फ़रमाईं बाद दरूद हु नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वम की म मुबारक पर जिन पर सलाम अल्लाह की रहमतों बरकतों के हुसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है सल्हली वहबी वसल तमन कफ़ीरा मज़हदरीन जैसा कि हम तमाम को पता है कि दुनियावी ज़िंदगी एक आजमाइश और इम्तिहान है कामयाब वो है जिसने अपनी ज़िंदगी के मकसद को जाना समझा पहचाना और अपनी ज़िंदगी उसी मकसद के हुसूल में लगा दी मुजहाजरीन हमारी अपनी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ामंदी अल्लाह की इबादत करना अपने आप को अल्लाह के दीन के मुताबिक ढालने की कोशिश करना इसी दरमियान अगर कोई ऊंच नीच हो जाए गलतियां हो जाएं, तो और तोबा को हमेशा लाजिम पकड़े रहना ये हमारी ज़िंदगी का मनहज, ये हमारी ज़िंदगी का रास्ता है मौज़ हाज़रीन नबी करीम सलात के ज़बानी अल्लाह ताला ने बदन में एक ऐसा उज़ एक ऐसा पार्ट रखा एक ऐसा हिस्सा रखा है अगर वो सुधर जाए तो इंसान का पूरा बदन सुधर जाता है और अगर वो बिगड़ जाए तो इंसान का सारा बदन बिगड़ जाता है अल्लाह के नबी आसलात वाम ने फरमाया इंसान का दिल है मज़साद्रीन अपने दिलों की हिफाज़त होनी चाहिए अपने दिलों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए दिलों को गंदगियों से पाक रखना चाहिए दिलों को अल्लाह के डर से मामूर रखना चाहिए जो दिल अल्लाह ताला से डरते हों अल्लाह का खौफ जिसमें हो यकीनन वो दिल अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं वो ज़िंदगियां कामयाब होती हैं मजदद हाज्र अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ अल्लाह की खशियत एक ऐसी नेमत है कि अल्लाह ताला ये उन्हीं बंदों को अदा करता है जिनके साथ अल्लाह ताला ने ख़ैर का कोई इरादा किया हो मौजत हाजरीन जो दिल अल्लाह के डर से खाली हो जिसमें अल्लाह का अहतराम अल्लाह की इज़्ज़त ना हो अल्लाह का मकाम व मरतबा ना हो और अल्लाह के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने का जज्बा न हो तो वो दिल बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उस दिल में शयातीन का कब्ज़ा हो जाता है वो दिल हकीक़त में अल्लाह ताला को पहचान नहीं पाता तो मजद हाजरीन कोशिश हमें इस बात की करनी चाहिए कि हम अल्लाह ताला कडर अपने दिल में पालें अल्लाह की अज़मत को पहचानने की कोशिश करें अल्लाह की अजमत को अपने दिलों में बिठाएं और ये याद रखें कि उसी के हुक्म से पूरी दुनिया कायम है उसका एक इशारा होगा कि पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है यह मुकम्मल आसमान और ज़मीन उसी के इशारे और उसी की कुदरत से कायम हैं मजस् इन अल्लाह के डर में से भी सबसे अजीम डर वो है सबसे बड़ा डर वो है कि इंसान गैब में अल्लाह ताला से डरे गैब में अल्लाह का खौफ अपने दिल में पाले किसी इंसान की उसकी नजर उस पर नज़र ना हो कोई उसे देखना रहा हो कोई उसे सुनना रहा हो ऐसे हालात में भी अपनी तन्हाइयों में भी वो अल्लाह का डर अपने दिल में पाले तो याद रखें ऐसा डरना इंसान को कामयाबी के रास्ते पे लगा देता है मजत हाजरीन अल्लाह का डर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ताल्लुक से नबी करीम सलात वसलाम फ़रमाते हैं इन्नी आलमकुमिल्ला कुमला कि मैं तुम तमाम के मुकाबले अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ और मैं तुम तमाम के मुकाबले अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने वाला हूँ तो मज़ा हाजरीन अल्लाह का डर बंदे को उसी वक्त हासिल हो सकता है जब अल्लाह की ज़ात अल्लाह के असमावत को पहचानता हो अल्लाह की अजमत को वो जानता हो अल्लाह की कुदरत का उसे पता हो कि वो जब किसी को पकड़ना चाहे कोई रोक ना सके जब किसी की हिफाजत करना चाहे कोई उसको नुकसान न पहुंचा सके जब ये बात दिलों में घर कर जाती है कि हमारे नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है जब ये बात दिलों में घर कर जाती है कि वला वालावत इल्ला बिल्लाह, के किसी भी किस्म का तसर्रुफ उसी वक्त इंसान को हासिल हो सकता है जब अल्लाह ने उसे किसी किस्म की तोफ़ी या कोई क़वत अता की हो वही दिल हकीकत में अल्लाह की खशियत अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ महसूस कर सकते हैं मौज हाजन बंदे को अगर हक़ीक़ी मानों में अल्लाह का इल्म हो अल्लाह के दिन का इल्म हो अल्लाह के सिफात का इल्म हो तो याद रखें अल्लाह का डर उसे तमाम हराम कामों से बचाता है हलाल कामों की तरफ उभारता है अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करने की तरफ उसे उभारता है और जिस दिल में अल्लाह का डर ना हो जो हकीकत में अल्लाह की ताल्लाह के असम और को ना पहचानता हो ऐसे दिल ऐसी ज़िंदियाँ अल्लाह के डर से खाली होती हैं तो मुजहरीन अल्लाह के आसमां सफ़ात को पहचानने की कोशिश करें अल्लाह की अजमत को जानने की कोशिश करें और इस बात की कोशिश करें कि अल्लाह ताला वो ज़ात है कि या लिमा लामान्याला मोत अलिमा अगर वो देना चाहे तो कोई रोक ना सके और अगर रोक ले तो कोई दे ना सके तो ऐसे हालात में इंसान के दिल की तवज् पूरी अल्लाह की तरफ हो जाती है उसी को नफा नुकसान का मालिक समझने लगता है बड़े से बड़ा नफ़ा क्यों ना हो अगर शरीयत ने उसको हराम करार दिया हो तो कभी उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ता क्योंकि अल्लाह ताला ने उसके हक़ में हलाल नफ़ा रखा है और अगर बड़े से बड़ा नुकसान भी अल्लाह के खुशनुदी के रास्ते में आ जाए तो तमाम को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि वह इस बात पर यकीन रखता है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी के रास्ते में है तो मजद हाजरीन हमें अपनी जिंदगियों को सुधारने की ज़रूरत है हमें अपने सुबह शाम के आमाल को सही रास्ते पे लगाने की ज़रूरत है हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपने अमाल अल्लाह की रजा अल्लाह की खुशनुदी की खातिर करें हम अपने तमाम के तमाम अमाल अल्लाह के खौफ से अल्लाह के डर से अल्लाह के पकड़ से डरते हुए हम अल्लाह ताला के हाँ एक दिन हाजिर होंगे सवाल जवाब होगा हमें तमाम का जवाब देना पड़ेगा इन तमाम को सामने रख करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे तभी जा करके हमारी जिंदगी सही मानों में सही रास्ते पर लग सकती है नबी करीम सलाम ने जैसे इस हदीस में फरमाया कि मैं तुम तमाम के मुकाबले अल्लाह को ज्यादा जानता हूँ और तुम तमाम के मुकाबले अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला हूँ यह उन लोगों को अल्लाह के नबी आ ने कहा था जिन लोगों ने इतातों में सुन्नत को छोड़ कर के गलू से काम लिया जिन लोगों ने नेकी के कामों में अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते से हट कर के आगे बढ़ कर चलने की कोशिश की तो नबी करीम सलाम ने उन लोगों से खिताब करते हुए कहा ए नीलामकुमिल्ला वाखशा कुम्ल् कि मैं तुम तमाम के मुकाबले याद रखो अल्लाह को जितना ज़्यादा जानता हूँ उतनी ही ज़्यादा खशियत उतना ही ज़्यादा तकवा मेरी ज़िंदगी में पाया जाता है तो मज़ाजरीन अल्लाह की खशियत अल्लाह का डर कैसे पैदा किया जाए कोई इंसान अपने दिल में अल्लाह का डर पैसा कैसे पैदा करे उसके ताल्लुक से कुछ वसायल या कुछ इसबाब का मैं आपके सामने तस्करा करूँ मोजा साजरीन अल्लाह का डर पैदा करना हो तो सबसे पहले मैंने जैसे जिक्र किया अल्लाह की अजमत को जानने की कोशिश करें अल्लाह की सिफात को पहचानने की कोशिश करें कि अल्लाह ताल शदल है अल्लाह ताला बड़ी सख्त पकड़ करने वाला है अल्लाह जब इंतकाम लेने पे आ जाए तो कोई उसे रोक नहीं सकता अल्लाह सख्त से सख्त अजाब देने वाला है ये सिफात जो इंसान के दिल में खौफ पैदा करा सकती हैं इन सिफात के ताल्लुक से अगर उसे इल्म हो उस पर गौर फिक्र करे, तो याद रखें जब उसे आखिरत पर यकीन होगा इस बात पर यकीन होगा कि अल्लाह के सामने जा कर के ठहरना है हिसाब व किताब देना है अल्लाह इन सिफ़ात वाला है अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता अल्लाह ने अपने आप पे जुल्म को हराम करार दिया अल्लाह ने तमाम बंदों पे जुल्म को हराम करार दिया एक दूसरे पे जुल्म न किया जाए न अपने आप पे ना दूसरों पे। और अल्लाह जुल्म को कभी माफ़ नहीं करेगा खास तौर पर जुल्म ऐसा हो जो अज़ीम हो अल्लाह के साथ शर्ख वाला मसला हो तो ऐसे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते जब तक कि बंदा तोबा करके अल्लाह ताला से इस दुनिया से रुखसत ना हो बग़ैर तोबा के शर्क अजीम माफ़ नहीं किया जाता अज़ीम माफ़ नहीं किया जाता तो मजा साजरीन बंदा जितना ज़्यादा अल्लाह तला को याद करे अल्लाह के आसमाव को हाजिर अपने जहन में रखने की कोशिश करे उतना ही ज्यादा उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा यही बात अल्लाह तही इन अल्लाहत कुलम मुमिन तो वो होते हैं कि जिनके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिलों पर खौफ तारी हो जाता है उनके दिलों पर खशियत तारी हो जाती है तो मजहत हाजरीन अल्लाह को कसरत से याद करें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करें अल्लाह की कसरत से तस्बीह करते रहें अल्लाह के असम सिफात को जानने की कोशिश करें यह एक तरीका है जिसके जरिए अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा हो सकता है जब यकीन इस बात का हो कि मेरे हर अमल का अल्लाह को जवाब देना है मेरी हर बात का अल्लाह को जवाब देना है तो इंसान कुछ भी कहने से पहले कुछ भी करने से पहले एक मरतबा जरूर सोच लेगा कि मुझे अल्लाह को इसका जवाब देना है तो हो सकता है अपने कई हरकतों से अपनी कई बातों से अपने आप को रोक ले मोजा हाजरीन इसी तरीके से इंसान को अल्लाह का डर पैदा करने के लिए उन दो फ़रिश्तों के ताल्लुक से अपने जहन में बात हमेशा रखनी चाहिए जिनको अल्लाह ताला ने उसके आमाल लिखने के लिए मक्ल कर दिया है जो उसके पूरे आमाल लिखते हैं कोई एक अमल भी उनसे चूकता नहीं है इजियतल्क़लम तल्क्न अनिलमीन शिमाल क़ीद कौलिन अलकीबन अल्लाह काफ की इनायतों में बात वाजह कर दी कि अल्लाह ताली हर बंदे के साथ उसके दाएं और बाएं दो फरिश्तों को मुअक्कल कर रखा है जिनकी जिम्मेदारी ये है जिनकी ज़िम्मेदारी ये है कि बंदा जो कहे उसको लिखें एक फरिश्ता उसकी नेकियों को शुमार करता जाता है एक फरिश्ता उसके गुनाहों को शुमार करता जाता है जिस बंदे का ईमान इन दोनों फरिश्तों के आमाल पर इन दोनों फरिश्तों की ड्यूटी पर जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा उसके दिल में अल्लाह का डर होगा उतना ही ज़्यादा वो अल्लाह ताला से डरेगा और इन दो फरिश्तों के हाजिर होने से इन दो फरिश्तों के नाम आमाल के लिखने से जो जितना ज़्यादा गाफिल होगा उससे उतनी ज़्यादा गलतियां होंगी उतना अल्लाह का वो नाफरमान बनेगा उतना ही ज़्यादा अल्लाह ताला की गजब और ग़ुस्से वाले वो काम करता जाएगा तो मजरीन बड़े अफसोस का मकाम है बड़े अफसोस का मकाम है कि हम अपनी कई बातें कहने से पहले कई काम करने से पहले खुसूसी तौर पर मैं कहूंगा अपनी तन्हाइयों में अपनी खलवतों में जब हम यह तो देख लेते हैं कि किसी इंसान की हम पे नजर नहीं पड़ रही है न माँ बाप की नजर है न बीवी बच्चों की नज़र है न किसी और की नज़र हम पर है हम सब से पोशीदा हैं वहां पर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की नज़र हम पर है और अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को मुकर कर रखा है जिन फरिश्तों की जिम्मेदारी ये है कि जो कहें जो करें इसको मिन पूरी तफसील से लिखते जाएँ और क़्यामत का दिन होगा यही नाम आमाल हमारे सामने खोल के रख दिया जाएगा उस वक्त हम पुकारते रहेंगे हाय हाय करते रहेंगे या वही लता

बेहतर है कि बंदा एहतियात कर ले और अल्लाह ताला के इन दो फरिश्तों को अपने ऊपर अपने साथ महसूस करे तो इन शह उसको अल्लाह का डर भी दिल में पैदा होगा और अपने अमाल में से कई काम वो छोड़ देगा जो बड़ी आज़ादी के साथ वो किया करता था चाहे लोगों के दरमियान वो करे चाहे किसी के साथ मामला में वो करें चाहे तन्हाई में वो करे अगर इस बात का एहसास उसे हो कि फ़रिश्ते दाएँ बाएँ बैठे हैं तमाम अमाल लिखते जा रहे हैं तो मौसत सहाजरीन ये एक तरीका है कि जिसके ज़रिए हम अपने आप के दिलों में अल्लाह डर पैदा करा सकते हैं और इसी तरीके से एक और तरीक़ा या एक और वसीला जिससे हम अल्लाह डर अपने दिलों में पैदा करा सकते हैं मौत को याद करें मौत की सकरात को याद करें मौत की सख्तियों को याद करें मौत के बाद के अहवाल को याद करें मौसत एक मरतबा नबी करीम सलात वाम क़ब्र पर बैठे हुए थे आपने कब्र के अहवाल को याद करके रोना शुरू किया रोते गए रोते गए कहते हैं कि बहुत आप रोए फिर अल्लाह के नबी आ सलातम ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा या खबानी लिमिज लिहादाफ आदू कि मेरे भाइयों, इसकी तैयारी करो इस दिन की तैयारी करो कि जब तुम्हें मौत आएगी कबर में ला करके डाला जाएगा वहीं से हिसाब किताब शुरू होगा जिसके और तुम्हारी जिंदगी के दरमियान किसी को नहीं पता कि कितने मिनट बाकी हैं कितने घंटे बाकी हैं किसी को इसकी जमानत नहीं है किसी को इसका पता नहीं है अगर मौत की हकीकत को बंदा समझ जाए मौत के वक्त जो सकरात इंसान को आते हैं जो तकलीफें इंसान के जो जिन तकलीफों से इंसान गुजरता है जिससे हर इंसान को गुजरना है मौजतरीन अगर इसको बंदा याद कर ले तो हकीकत में अल्लाह का डर वो तो अपने दिल में पैदा करा लेगा अपने आमाल को तो दुरुस्त कर लेगा मौजतरी नबी करीम सलासलाम अपने आखिरी दिनों में हैं अपनी आखिरी घड़ियों में हैं अल्लाह के नबी को बड़ी सख्त तकलीफ है आपका बदन बुखार से तप रहा है बहुत ज्यादा गर्म है सहाबा ने पूछा साहबा ने पूछा कि इतनी ज्यादा बुखार इतनी ज्यादा गर्मी इतनी ज्यादा तकलीफ तो कहने लगे जो जितना नेक होता है उसकी बुरा उसके उसकी आजमाइश भी उतनी बढ़ जाती है उसकी तकलीफ भी उतनी बढ़ जाती है तो साहबा ने कहा कि इसलिए कि आपका अजर भी दोगना होगा सवाब भी दोगना होगा यहाँ तक कि माई आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्ला फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी की सकरात की हालत की तकलीफ़ को मैंने देखा तो मैंने कहा अब इसके बाद जिसको जितनी तकलीफ़ आ जाए आ जाए जब अल्लाह के नबी इससे महफूज रह सके तो कोई महफूज नहीं रह सकता कोई महफूज नहीं रह सकता ऐसे वक्त को याद करें कि जब आपकी रूह आपके बदन से निकल रही हो फरिश्तों को आपने अपनी आंखों से देख लिया हो जो आकर के आपकी नज़र जहां तक पहुंचती हो वहां पर बैठ कर के मलकुल मौत का इंतज़ार कर रहे हो कि आए और वो उनकी रूह कब्ज़ करे ताकि उनके हवाले करे और लेकर के वो रूह को ऊपर चढ़े नेक हो तो नेकियों के पास नेक लोगों के दरमियान बुरा हो तो बुराइयों के पास बुरे लोगों के दरमिया जब ये मंज़र आपके सामने होगा जबान बंद हो जाएगी जबान बंद हो जाएगी कुछ कहना चाहेंगे कह ना पाएंगे इस मंज़र को याद कर लें तो हो सकता है कि अल्लाह कर दिल में पैदा हो जाए हो सकता है कि आप अपने उन आमाल से जिन आमाल को आपकी आखिरत को खराब करना होता है हो सकता है ऐसे आमाल से आप परहेज कर लें अल्लाह का खौफ आपके दिल में पैदा हो जाए और मोजहा इसी तरीके से अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करना हो तो एक और वसीला ये भी है कि क्यामत के हालात जिनके ताल्लुक से हमारा पूरा यकीन है कि कयामत हक है जैसे हमें ये ईमान है कि अब दिन है जैसे हमें ईमान है कि हम जिंदा हैं जैसे हमें आज के इस वजूद पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है उससे कहीं ज्यादा हमें से अदने से अदना इंसान को हमें से जाहिल से जाहिल तरीन इन इंसान को भी यकीन है कि कयामत हक है दोबारा उठाए जाएंगे हिसाब व किताब होगा अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब होगा जवाब देना पड़ेगा अगर इस पर बंदे को यकीन हो इसको अपनी नज़रों के सामने रखे अल्लाह का यकीन डर दिल में पैदा होगा अपने आप को सुधारने की संवारने की कोशिश करेगा गुनाहों से अपने आप को बचा लेगा मौजद शाजरीन ये कुछ असबाब हैं ये कुछ वसाइल हैं जिसके ज़रिए हम अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करा सकते हैं और याद रखें जो डर जो दिल अल्लाह के डर से खाली हों वो वो दिल तमाम के तमाम मुकम्मल काले हो जाते हैं बिल्कुल अंधेरा उस पर छा जाता है उसमें हिदायत नाम की चीज़ नहीं पाई जाती अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें अपने दिलों को उसके डर से मामूर करने की तोफ़ी नसीब फ़रमाए आमीन मौज़ साजरीन जिन चीज़ों से हमारे दिलों में अल्लाह डर पैदा हो सकता है उसमें से एक ये भी है कि कयामत के उस दिन को याद करें जिस दिन आपकी आँख आपके खिलाफ गवाही देगी कि हाँ मैंने ये हराम चीज़ें देखी आपका हाथ आपके खिलाफ गवाही देगा कि हाँ मैंने ये काम किए आपका पैर आपके खिलाफ गवाही देगा कि हाँ मैं चलते हुए वहाँ तक पहुँचा था आपका पेट आपके खिलाफ गवाही देगा कि हाँ ये हराम चीज़ें मेरे मुंह में डाली गई मुझ में रखी गई आपके बदन का एक एक हिस्सा बल्कि आपकी पूरी चमड़ी आपकी पूरी चमड़ी जिससे बदन का कोई हिस्सा आपका छूटा नहीं रहेगा कयामत के दिन ये अल्लाह के सामने जाकर गवाही देंगे इंसान परेशान होगा वाली लि जुलुदि लिमा शाह तुम लीना वो अपनी चमड़ी से कहने लगेंगे बदन के आज़ा से कहने लगेंगे लिमा शाह तुम लीना यह क्या बात है कि हमने जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत की तुम्हें फ़ायदा पहुंचाया तुम्हें लज्जत पहुंचाई तुम्हारा ख्याल किया और आज यह है कि तुम हमारे खिलाफ गवाहियां देने लगे कालू कालो अंतकनत कुल्ल शई कहने लगेंगे कि जैसे अल्लाह ने अल्लाह ने तमाम को गोयाई की ताकत दी है आज अल्लाह ने हमें गोयाई की ताकत दी है हम हक कहेंगे हम सच्ची बात कहेंगे उस दिन को अपने दिन, अपने दिल दिल में लाने की कोशिश करें उस दिन को अपनी नजरों के सामने रखने की कोशिश करें जिस वक्त हमारे अपने हमारे खिलाफ गवाही देंगे मजदूर इस दुनिया में अगर आपकी बीवी आपके खिलाफ बोल दे आपको बर्दाश्त नहीं होता आपके बच्चे आपके खिलाफ गवाही दे दें आप हो सकता गम से मर जाए आपका सबसे करीबी आपके खिलाफ हो जाए हो सकता आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए आप बहुत ज्यादा तकलीफ़ का शिकार हो जाए उस दिन को याद करें जिस दिन आपके बदन के आजा खुद आपके खिलाफ गवाही देने लगेंगे ये एक हकीकत है क़ुरान ने क्यामत के दिन की एक तस्वीर खींची है कि आजा गवाही देंगे अल्योम व मुंह पर मोहर लगा देंगे मुंह बंद कर दिया जाएगा अब हाथ और पैर बोलने लगेंगे चमड़ी बोलने लगेगी बदन का हिस्सा हिस्सा बोलने लगेगा उस दिन को याद करें हो सकता है कि अल्लाह कर दिलों में पैदा हो जाए हो सकता है अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा हो जाए हो सकता हम अपने हाथ को आज तकलीफ़ पहुंचा ले पहुंचा लें अपने पेट को तकलीफ़ पहुंचा ले पहुंचा लें लेकिन क़्यामत के दिन की तकलीफ़ से अपने आप की हिफाजत की कोशिश करेंगे मज़द्र सदिन यही बदन तो है इसी की ख्वाहिशात तो हैं जिसके खातिर तो जिस हमने हलाल और हराम की तमीज़ न की जिसके खातिर हमने शरीय का कोई लाज शरीत की कोई लाज ना रखी शरीय का कोई ख्याल हमने ना किया अल्लाह की खातिर अल्लाह की खातिर अपने बदन की हिफाजत करें अपने आप की हिफाजत करें अपनी आखिरत की हिफाजत करें अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करने की कोशिश करें यही वो अल्लाह का डर है कि अगर दिल में पैदा हो जाए जिंदगियां सुधर जाती हैं जिंदगियां सुधर जाती हैं जबान सही हो जाती है आमाल दुरुस्त हो जाते हैं जिंदगी भर के काम सही रास्ते पर लग जाते हैं और अल्लाह का डर दिल से निकल जाए तो इंसान को ना हलाल की तमीज़ होती है ना हराम की तमीज़ होती है ना नाजायज जायजो जायज़ देखने लगता है ना सही गलत की उसे कोई तमीज बाकी रह जाती है इसीलिए अल्लाह ने कहा उलाए कल बल इन लोगों की को याद किया, को याद रखा हम जानवर से गए गुजरे हुए कि हमने अल्लाह को याद ना रखा हमने अल्लाह का दिल में ना रखा हाजरीन अल्लाह दुआ है कि अल्लाह हमें अपना खौफ अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे आखिरत के मंजर आखिरत के अजाब आखिरत के हौलनाकियों को अपनी आँखों के सामने रख करके हमें ज़िंदगी गुजारने की तोफीक़ नसीब फरमाए अल्लाह ताला मौत के जो सकरात हैं मौत की जो तकलीफ़ें हैं उसको हमने सामने रख कर के अपने आप को सुधारने की तोफ़ी नसीब फरमाए अल्लाह ताला हमारे दिलों को उसके खौफ से मामूर करे उसकी खशियत से मामूर करे खूसी तौर पर अल्लाह हमें अपनी तन्हाइयों में अल्लाह का डर अपने दिल में रखने की तोफ़ी नसीब फरमाए हलालोह हराम की तमीज़ करने की तोफ़ी नसीब फरमाए और अल्लाह ताली हमें जब तक ज़िंदा रख उसकी शरीयत का पाबंद बना के हमें ज़िंदा रखे और जब मौत दे तो अल्लाह ताला हमारा ख़ातिमा बिल खैर फरमाए और सुई खातिमा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए आमीन रबानाल तो आखिर न्न्नसना वक्ताना रबना वाल तहमिला इस हमल तो रबना वाल तो हमना माल ताफन्ना لنا وارحمنا अनथ मौलाना فانصرنا للقوم الكافرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.